आज हम मुलाकात कर रहे हैं आपकी आवाज के प्लेटफॉर्म पे राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल साहब से। जी पुरुषोत्तम जी साहब, आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। हाँ, थोड़ा आप अपने हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए आपकी एसोसिएशन और आपसे। मेरा नाम पुरुषोत्तम खंडेलवाल है जी। हमारी संस्था राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन है जी। और इसके लगभग 8,000 मेंबर्स हैं और हमारे सभी सदस्य खाद बीज खेती की दवाई और एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन के आई होंगे इसमें काम करते हैं जी। हमारे एसोसिएशन का उद्देश्य हमारे व्यापार में आने वाली समस्याओं के बारे में सरकार से और भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करना जी। वह जो ऐसी समस्याओं को राज्य के स्तर पर सुलझाने का प्रयास करने का रहता है जी। तो जीएसटी से टैक्सेशन की बात कर लेते हैं शुरुआत में जी। जीएसटी से आपकी इस डीलर्स एसोसिएशन एग्री इनपुट डीलर एसोसिएशन में कोई इंपैक्ट आया, किस तरह का इंपैक्ट आया नहीं आया, किस तरह की क्या रहा? जीएसटी से हमारे व्यापार में कोई विशेष बदलाव नहीं आया जी, क्योंकि खाद पर तो जितना वैट था उतना ही जीएसटी है जी। और कीटनाशक में जरूर जीएसटी थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए हमने भारत सरकार से मांग की हुई है कि वो इसकी दर को घटाएं जी। और कुछ हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स आते हैं उन पर सरकार की जीएसटी रेट ज़्यादा है जी। उस पर भी हम चाहते हैं कि किसानों की उत्पादन बढ़ाने के लिए वो उसको किसान को राहत पहुँचाने के लिए रेट कम करें जी। तो जीएसटी से क्या सुविधाएं बढ़ी है टैक्सेशन में, आपको फाइलिंग में क्या सुविधाएं हुई है या क्या? वैसे व्यापार करने में सुविधा हुई है जी, लेकिन अभी शुरू में इसका कार्य रूप में दिक्कत आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझने में समस्या आ रहा है जी, वो जरूर परेशानी है जी। बाकी व्यापार में तो सुविधा हुई है और कोई परेशानी नहीं हुई है जी। जी गवर्नमेंट की, राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, आप जैसे जिक्र कर रहे थे अभी वार्तालाप में कि यूरिया की कमी आ रही है, या किस तरह की सुविधाएं हैं, मिल रही है या नहीं मिल पा रही, कोई खाद बीज या किस तरह की कमी आ रही है पॉलिसीज में या आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग? यूरिया अभी इस रबी की फसल का तो कार्य चल रहा है जी, इसमें यूरिया एक विशेष कंपोनेंट है जी, जो कि गेहूँ की फसल में सरसों में काम आता है, उसकी अभी काफ़ी डिमांड मांग चल रही है जी, और उपलब्धता कम है जी। उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार को प्रतिवेदन दिए हैं जी, और वहाँ से आश्वासन मिला है कि सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। कब तक, मतलब क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत शीघ्र होनी चाहिए, हाँ। क्या कुछ आश्वासन में कहा गया कि 5-7-10 दिन या कुछ? हाँ, करीबन 1 वीक में 10 डेज में कुछ सप्लाई सुधारने के बारे में केंद्र सरकार से आश्वासन मिला है। कितनी सप्लाई चाहिए होती है, कितनी सप्लाई मतलब कमी है, अगर परसेंटेज में भी आप बताना चाहें तो? अब इसके अभी मेट्रिक टन में आंकड़े तो मेरे पास नहीं है जी, लेकिन करीबन 30-40% इस समय कमी है। और सरकार से किस तरह की सुविधाएं की बात करते हैं, अगर आपकी एसोसिएशन मेंबर्स की बात करें या एसोसिएशन की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, किस तरह की सुविधाएं और व्यापारियों को मिलनी चाहिए, आपके एसोसिएशन मेंबर्स को मिलनी चाहिए या एग्रीकल्चर में मिलनी चाहिए? हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे लाइसेंसिंग में कुछ सरलीकरण चाहते हैं जी। खासतौर से कीटनाशक लाइसेंस में नियम बनाए गए हैं कि कृषि स्नातक वह 1 वर्षीय डिप्लोमा वाले को ही देंगे या हमें भी लेना पड़ेगा पुराने लाइसेंस वालों को भी जी। हम उसमें उनसे रियायत चाहते हैं, उसके लिए हमारी भारत सरकार से मांग चल रही है। और एक साधारण छोटा क्रैश कोर्स हमारे को आश्वासन दिया है कि हम बनाएंगे, उससे हम कर लेंगे तो हमारा लाइसेंस चालू रहेगा, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ काफ़ी प्रयास करने पर भी जी। और दूसरा ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सैंपल्स जो होते हैं इनपुट्स के, उनमें हमें भी दोषी बनाया जाता है
जबकि वो जो भी खाद बीज दवाई है वो मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सील और इंटेक्ट आता है और सील इंटेक्ट हम बेचते हैं। यदि उसमें कोई क्वालिटी परफॉर्मेंस में गिरावट है तो ये निर्माता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमें उसमें दोषी नहीं करना चाहिए, ये हमारे बहुत पुराने मान जी। तो सरकार क्या कहना क्या है, मतलब आपके पास बिल होता है उसका तो बिल देखिए आप। हाँ, वो हमारे पास उसकी पूरा सप्लाई का रिकॉर्ड होता है कि किस कंपनी से किस वितरक के थ्रू हमारे पास आके पहुंचा है जी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कानून में ऐसी वो धाराएं हैं कि वो हमें पार्टी बनाते ही बनाते हैं जी। तो हम कहते हैं साहब सैंपल तो आपके यहाँ से वाइज हम आपको पार्टी बनाएंगे, जबकि हमारा कहना है हमें तो खाली दवाई के तौर पर ले लीजिए आप कि हाँ ये माल हमारी दुकान पर था, हमारे पास बिल है, उसके बाद हमें फ्री कर दीजिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, केस है, सजा जुर्माना है, वो निर्माता पे होना चाहिए जी जी। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है, इसको हम फिर दोबारा से जोर दे रहे हैं भारत सरकार जी। जो आजकल गवर्नमेंट का है, जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है, वो किसानों का कर्ज माफ कर लिया, आप उस पर उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक किसान बैंक से ही हैं। मतलब हमारा इसमें मानना है कि कर्जा माफी एक स्थायी निदान नहीं है जी, दो तीन साल बाद फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर करना पड़ेगा। तो ये वोटों, मैं मानता हूँ कि ये वोटों की राजनीति का विषय है जी, कि आकर्षित करके वोट लेना और बाद में उनको माफ करना जी। ईमानदार जो टैक्स पेयर है हम भी शामिल हैं जी, तो टैक्स पेयर का पैसा बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के काम लेना ही ठीक नहीं है, गलत है। तो किस तरह की, मतलब आप क्या सोचते हैं कि किसानों को किस तरह की सुविधाएं दें या रियायत दें या किस तरह से प्रमोट किया जाए? किसान को सहायता, यही सहायता ऋण माफी की बजाय दूसरे रूप में दी जा सकती है, जैसे कि उसके उत्पादन का उसको उचित भाव मिल जाए, समय पे सरकारी मशीनरी प्रोक्योरमेंट कर ले, समय पे पेमेंट मिल जाए और उसको जो इनपुट चाहिए उन पर सब्सिडी मिल जाए जी, और वो भी प्रक्रिया आसानी से मिल जाए जी। अभी प्रक्रिया कठिन है, वो सोसाइटियों से मिलता है, निजी विक्रेताओं से नहीं मिलता है जी। यदि निजी विक्रेताओं के द्वारा भी ऐसा कोई चैनल विकसित कर लिया जाए या डीबीटी सिस्टम डेवलप कर लिया जाए तो किसान के खाते में सब्सिडी पहुंच जाएगी, एक तो वो मदद हो गई, एक उसको MSP और बढ़ाई जाए, जैसा अभी बढ़ाई भी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसी में और विवेकसम्मत कुछ किया जाए और उस पर उसका उत्पादन खरीद लिया जाए, तो किसान को अपने आप ही अपना माल का अच्छा पैसा मिल गया, उधर उसको सामान वाजिब रेट से मिल गए तो उसको राहत पहुंच जाएगी अपने आप ही। ये टोटल ऋण माफ करना मेरे हमारे संस्था के लिहाज से या मेरे ख्याल से उचित नहीं है, उचित नहीं जी। तो MSP जो अभी बढ़ाया गया है वो सफिशिएंट है या और बढ़ना चाहिए कुछ, या अभी कुछ नहीं से तो बहुत कुछ अच्छा है, मतलब किस तरह अभी अभी जो MSP बढ़ाई गई है काफी ठीक है, पीरियडिकल रिवाइज होनी चाहिए, हर साल महंगाई बढ़ती है तो रिवाइज होनी चाहिए, लेकिन इसकी MSP की या जो भी भारत सरकार की योजना है कृषि संबंधी इनका इम्प्लीमेंटेशन चूंकि राज्य सरकार के द्वारा होता है तो राज्य सरकार के स्तर पर इनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो प्रॉपर नहीं है और किसान को उस अनुरूप में सहायता नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारा राज्य सरकारों से ये अक्सर अनुरोध रहता है कि वो अपने मशीनरी के द्वारा उन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से और सरलीकृत रूप में लागू करें तो किसानों को लाभ पूरा मिल सकेगा जी। इसके अलावा अगर रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री इस तरह की है, तो किस तरह के सुझाव आप गवर्नमेंट को, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहेंगे कि ग्रामीण विकास में किस तरह की योजनाएं और होनी चाहिए? ग्रामीण विकास में योजनाएं हमारे कृषि क्षेत्र में अभी काफी गुंजाइश है सुधार की, उनको समय पर कृषि आदान मिले और पूरी डिमांड को अच्छे ढंग से एक तरह से कलेक्ट करके और उनके लिए आगे से आगे वो आदान मिल जाए और आगे से आगे उनको वाजिब दर पर ये फर्टिलाइजर बीज वगैरह समय समय उपलब्ध हो जाए तो उनकी काफी समस्याओं को सरलीकरण हो सकता है, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाए, ये ही हमारी सरकार से मांग है। आप थे पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल, राजस्थान एग्री इनपुट।
डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष।